हमारी गाड़ी जो है वो फाइनलाइज कर दिया है। जो जो सही आंसर देगा उसको एक एक लाख का चेक हम भेजेंगे। अरे तो बीच में टोका मत कर यार मेरे को। राइडर पूनम, I'm gonna miss you, baby. लैला मजनू के लिए हमें नया घर मिल गया है। MS को बोलना तुम लोगों। हेलो नमस्कार, वाला मैं रहवे, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एनर्जी के लिए शुक्रिया। पहले ये जो सारा सामान आप देख रहे थे ये मेरे कमरे में था, मेरे कमरे से यहाँ पर आया, यहाँ पर आया क्योंकि कमरे में काम करना था। अब घर का सारा पेंटिंग का काम कंप्लीट हो चुका है, तो मेरे घर का जो काम कंप्लीट हुआ है जरा गौर फरमाइएगा, दिखाते हैं आपको। पैन बन रूम का साइज कितना बढ़ गया सर, सब खाली हो गया इसलिए। देखें जरा अभी यहाँ पर जो पहला ऑयल पेंट लगा हुआ था वो पता नहीं कौन सा कलर का, उसके वजह से इतना तकलीफ हुआ, इतने लोगों ने हमें बोला कि ना ना ये अच्छा नहीं लगा, कुछ करो इसका, कुछ करो। अभी हमने कुछ किया है, पेंट जॉब डन, कारपेट वाला काम भी इंशाल्लाह कल हो जाएगा, लेकिन कल हम यहाँ पर रहेंगे नहीं, ये दोनों को करना रहेगा और समीर रहेंगे। ये वाला वॉल वॉल नहीं है, ये वॉल ऑफ फेम है MSK का। तो ये वाला जो वॉल होगा इस पे आएगा वॉलपेपर, नीचे आएगा कारपेट। वॉलपेपर कारपेट देखने के लिए मैं गया था मोहम्मद अली रोड। ये भी अच्छा लग रहा है, बट ये ब्राउन में, ये वाला वॉलपेपर ज्यादा पसंद आया है, ये व्हाइट बैकग्राउंड में जाएगा भी। और कारपेट भी देखना है, कारपेट है सामने, जो कारपेट सिलेक्ट होगा इसके कॉम्बिनेशन में। पिछले दो दिन में बहुत सारे काम हुए हैं, आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। तो जब हम मोहम्मद अली रोड गए थे कारपेट और वॉलपेपर देखने के लिए, वहां पर बहुत बड़ा मार्केट है, मतलब सब चीजों का मार्केट है। तो घर के लिए लाइट्स भी देखनी थी, लाइट्स लेने के लिए मैं गया था मंगलदास मार्केट। लाइट्स, कपड़े, ये सब बहुत बेहतरीन, मतलब सस्ते से सस्ता, अच्छे से अच्छा। अभी आने वाली है दिवाली, दिवाली की भरपूर शॉपिंग वहां पर हो रही है, और दिवाली में स्पेशल क्या होता है, लाइट्स। और लाइट्स की तो इतनी दुकानें थी वहां पर, इतने लोग भरे पड़े थे, हमको ठीक से लाइट देखने ही नहीं मिला। तो एक घंटा हार्डली थे वहां पर, दो चार लाइट देखी फिर वापस आ गए, लाइट मिला नहीं। ये पोटली किसका है? सफी का है, मेरी पोटली, पोटली उठा के। ये एक बहुत ही अच्छा जुगाड़ है, अगर कहीं पे कपड़े पड़े पड़े और बहुत सारी चीजें होती है ना, तो मतलब क्या बिखर जाते हैं, तो एक पोटली बना दो मस्त हो जाता है। दिवाली के त्यौहार में ना बहुत गिफ्ट्स बांटे जाते हैं, लेकिन दिवाली आने के बाद, अभी दिवाली आई नहीं है, लेकिन मेरे को गिफ्ट दिवाली से पहले मिल रहा है। ये दिवाली का गिफ्ट आया है रवि भाई की तरफ से। कैमरे का दरोबर संभालो वापस एक बार, चलिए फिर देखते हैं रवि भाई ने क्या भेजा है, हम गेस कर सकते हैं, बता क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बता। चलिए दिवाली का गिफ्ट है, देखो स्क्रू ड्राइवर देख के कुछ याद आता है क्या? रितेश देशमुख, ए भाई विलन नहीं बनना है। बता क्या होगा दिवाली है, तो फिर कुछ रोशन चीज हुई, बताओ। मिठाई भी हो सकती है, अमेज़न से आजकल कुछ भी आता है ना, कुछ भी आता है। ओह कुछ तो आया है रवि भाई, बताओ तो यार आजकल अनबॉक्सिंग कैसे करनी पड़ती है, अपने घर में जगह ही नहीं है, बिल्कुल भी जगह नहीं है यार। दिवाली रोशनी का त्यौहार है, रोशन करने के लिए रवि भाई ने लाइट भेजा है, RGB लाइट, गोडॉक्स का M1 लाइट। की खासियत ये है कि ये RGB लाइट है, मतलब कोई भी लाइट हम इसमें लगा सकते हैं। मेरे को ऐसा लगा ना कैमरा, हेलो हेलो फोन की तरह, फोन के साइज का ये है, ये काफी बढ़िया। और ये इसमें एक इसका होल्डर भी है, तो काफी इसको यूनिक बनाता है। इसका रिव्यू हम देंगे आपको। ओके ओए तेरी, इसमें ना अलग अलग मोड्स होते हैं, कैंडल मोड, फायर मोड, म्यूजिक। भाई ये म्यूजिक मोड जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, म्यूजिक बजेगा उस हिसाब से, जो म्यूजिक के बीट्स होते हैं उस हिसाब से ये लाइट बजता है। ये एम्बुलेंस, ये पुलिस, ये पुलिस वाला, ये म्यूजिक है भाई, म्यूजिक बजाओ। नॉन कॉपीराइटेड देंगे, एपिडेमिक का बजाएंगे भाई, अगर आप क्रिएटर हो एपिडेमिक के साउंड ही यूज करना है, ठीक है, फायदे का सौदा होता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सस्ता भी हो गया ना अभी तो? हाँ सस्ता भी हो गया भाई, बेस्ट है एपिडेमिक, कोई टेंशन ही नहीं है। अभी हम लाइट बंद करेंगे और गाने बजाएंगे, और यहाँ पर फुल माहौल तैयार होगा डिस्को का, लगाओ पार्टी ऑल नाइट। बड़े काम का लाइट है ये, इसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो अभी इस लाइट का यूज करेंगे जब घर थोड़ा तैयार हो जाएगा। क्या है कि देखो घर में कितना भी अच्छा पेमेंट कर, कितना भी अच्छा पेमेंट करो पेंट करने के लिए, जब तक लाइट ना हो ना तब तक घर का वो निखार नहीं आता है। तो लाइट के लिए अपना लाइट का इंतजाम हो गया, एक दो लाइट और लेनी है मेरे को, उसके बाद तो मज्जा आ जाएगा, मज्जा। रे भाई दिल की गहराई वाली झील से 1000 लीटर शुक्रिया। अभी मुझे खींचनी है फोटो, और फोटो खींच के भेजना है मुझे जोहेब भाई को, क्योंकि मैंने इसका जो हैंडल बार रेजर है बॉटम राइजर वो कहीं मिल नहीं रहा है मुझे। जोहेब भाई इसको बना के देंगे मुझे, उनको ये चाहिए था, ऐसे भी ले लेता हूँ। WP सस्पेंशन, चलो जी ये काम हो गया, धूल मिट्टी बैठ गई है, ये नहीं चलाएंगे, चलाएंगे वो, ये चलेगी कल और लंबी चलेगी। ये जो कल वाला राइड है, ये राइड पे मैं अकेले जाने वाला था पहले, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आर्या को भी लेके चले, जिस तरह से शफीक ने हमारे साथ एक छोटा सा राइड किया उसी तरह से आर्या का भी ये फर्स्ट टाइम होगा, तो आर्या चलाएगा ये हमारी टीमोन, और मैं चलाऊंगा अपने टाइगर। और एक राइडर है हमारे साथ जो कि आपको
कल जब राइड शुरू होगी तब पता चल जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी बाधा है, कल न्यूज में आया था कि जो वसई वाला क्रीक है वो उन्होंने बंद करके रखा है हैवी व्हीकल्स के लिए। लाइट व्हीकल जा सकता है लेकिन कुछ टाइमिंग भी है उसका, तो ज्यादा कुछ हमें पता नहीं है, जाके पता चलेगा। तो कल थोड़ा जल्दी निकलेंगे और अभी हम जा रहे हैं आर्या के लिए राइडिंग गियर्स देखने, और पहुंच भी गए राइनॉक्स। तो ये है राइनॉक्स का ऑफिशियल स्टोर पहला, जो कि माहिम में है। माहिम में आओगे तो मुझे जरूर याद करना। हेलो जी, कैसे हो? हेलो, हेलो, नमस्ते, हट दिया। यहाँ क्यों आए हो तुम? तुम्हारा पार्सल डिलीवर करने। हमारा जो कैमरा सेटअप था वो आ गया था थार के नीचे, तो उसमें हमारा माइक की कुर्बानी हो गई थी और कैमरे की। कैमरा भी बन गया, माइक भी बन गया। ये अंधेरी में हमने दिया था, अंधेरी में रहती है लड़की, इसने जाके ले लिया। किधर आता है अंधेरी? मुंबई के बाहर आता है किधर? तो मुंबई के, हाँ, थोड़े से बॉर्डर में आता है। आर्या भी है, आर्या अभी सब चेक करने के लिए यहाँ पर है, सही सलामत आ रहे कि नहीं आ रहे। तो लास्ट टाइम मैंने राइनॉक्स का एक पैंट लिया था जो कि मेरे को हुआ नहीं था राइड पे जाने से पहले, तो वो भी मैं लेके आया हूँ, वो भी दूंगा अभी। ये लो भाई, ये पैंट लार्ज है लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों टाइट हो रहा है मेरे को। ये हंसने की बात नहीं रही। तो ये जो मैंने पहना है पैंट, ये है एक्सेल। मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहां से किस जगह से एक्सेल हो गया हूँ, लेकिन एक्सेल वाला फिट बैठ रहा है। गाड़ी में बैठ के देखा, सब कुछ बराबर हो रहा है। एक ऐसे ही दूसरा लार्ज ट्राई करके देख रहे, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए। अगर ये लार्ज हो गया ना तो समझ जाना मैं एक्सेल नहीं हुआ। बता दो क्या हालत हुई है। लार्ज में चेन भी नहीं बंद हो रही है। हेलो चेन, अपना हो गया सॉर्ट, अपना जैकेट पैंट ग्लव ग्लव सब रेडी है, बचा इसका। भाई साहब, इसका जैकेट राइडिंग जैकेट, धूम मचा ले। पता नहीं था राइडिंग जैकेट इतना हैवी होता है, हैवी राइडर। ये ठीक है? नहीं, ये ठीक लग रहा है मेरे को। इसमें सामने नहीं है चेस्ट गार्ड? नहीं, इसमें चेस्ट आप ऐड कर सकते हो। अच्छा लग रहा है, मजाक नहीं कर रहा, सच में अच्छा लग रहा है। हाँ, राइडर पूनम इधर जाओ, आईने के सामने जाओ। अरे जल्दी जाना वहाँ पर। अरे देख, राइडर ये Even if I tie, it's loose. ये सबसे छोटा साइज है, पता है ना तेरे को? अरे हंस क्यों रह रहे? वाह, ये फिट है। ये कौन सा साइज है? मीडियम है। और जैकेट? जैकेट वाला स्मॉल। अपने को लेनी है 4x4। समझ में नहीं आ रही थी कि कौन सी लेनी है, तो हमने क्या किया, सारे। अरे तो बीच में टोका मत कर यार मेरे को। 4x4 कार लेनी थी ना, सब जगह जाके हमने टेस्ट ड्राइव लिया, तब जाके समझ में आया कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। उसी तरह से जब जैकेट और पैंट लेना है ना, तो ट्राई करना जरूरी है, क्योंकि वो जो साइज होता है ना, जो हमारा टी शर्ट का साइज होता है, पैंट का साइज होता है, उससे समझ में नहीं आता है। ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर करके समझ में नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली इसकी में हम लोग के पास आपके साइज का नहीं है, मेरे साइज का नहीं है, दोनों के साइज का है। मेरे को एक्सेल तो आ ही जाएगा। मैं ये वाले सेक्शन में गया था और मैंने यहाँ पर देखा टैंक बैग, मुझे आप क्या दिखा रहे थे? इसके सारे फीचर्स मुझे बता रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि ये जो नीचे है ये एंटी स्क्रैच बेस है। एंटी स्क्रैच हमारे टाइगर पे अभी भी रैप हुआ है, तो ये अट्रैक्ट किया, तो मैं ये भी ले रहा हूँ अभी। थैंक यू संकेत भाई, अधिक भाई थैंक यू, सबको थैंक यू, थैंक यू सो मच। एड्रेस क्या है यहाँ का? सेनापति बापट मार्ग, लैंडमार्क बिल्डिंग, माहिम राइनॉक्स गियर, तो आ जाएगा। राइट, सूचना जनित पे जारी, आके चेक कर सकते हैं। चलिए जी, अपना काम हो गया। अभी क्या, आते वक्त अपने पास कुछ नहीं था, जाते वक्त बहुत कुछ है। जैकेट है, ग्लव्स है, पैंट है, टैंक बैग है। ये बात बताते हुए मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि हमने हमारी गाड़ी जो है वो फाइनलाइज कर दिया है। बड़ी मशक्कतों के साथ सारे डिटेलिंग, सारा फीचर्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, डिलीवरी टाइम, सबको मद्देनजर रखते हुए गाड़ी बुक हो चुकी है। और गाड़ी बुक करते टाइम मैं लेके गया था रवि भाई को। रवि भाई डिस्काउंट के लिए बड़े माने जाते हैं। रवि भाई जुगाड़ो, हर चीज में जुगाड़, मतलब कोई एक ऐसा चीज ना हो कि जुगाड़ उनका ना है। यहाँ है रवि भाई, यहाँ है पूनम। चल अभी कांग्रेचुलेशन बोल दो। फाइनली गाड़ी बुक हो चुकी है। थोड़ा सस्पेंस रखेंगे इसको। गाड़ी बुक हो गया, थैंक यू सर। तुमको वो छुपाना पड़ेगा। नहीं ऐसा तो ऐसा करके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनके टी शर्ट में भी लोगो था, वो भी छुपाया, सब छुपाया। तो बढ़िया यार, मतलब इतनी अभी सब लोगों को बोलो कमेंट करके ढूंढो कौन सी गाड़ी ली है, और जो जो सही आंसर देगा उसको एक एक लाख का चेक हम भेजेंगे।
रही भाई दिलदार है। लेकिन यार काफी बढ़िया है, कांग्रेचुलेशन, खुशी हुई ये मेरा भाई ग्रो हो रहा है। लेकिन जो भी गाड़ी हमने चूज किया है बहुत ही सोच समझ के और सब चीजों को ध्यान में रख के किया है। इकोनॉमिकल मतलब बोलते ना कि ज्यादा चीजें होनी चाहिए उसमें, ज्यादा अगर बोल देंगे तो लोग पता भी लगा क्योंकि वो गाड़ी ऐसी है ना कि क्वालिटी भी बता देंगे लोग समझ जाएंगे। बट ठीक है, फिर अभी कमेंट सेक्शन आपका है, कांग्रेचुलेशन बोल दो, हमको भी अच्छा लगेगा, बढ़िया एकदम। ट्रेंडिंग में लाओ वीडियो को कमेंट कर करके। नदीम भाई आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि 9 दिसंबर को अपनी गाड़ी अपने को मिल जाए। आज को ही रेडी कर दूंगा। ठीक है, 9 दिसंबर को अगर गाड़ी मिल गई तो फिर एकदम मजा आ जाएगा। वैसे काफी वेटिंग है, लेकिन नदीम मैंने बोला कि काम अपना करवा देंगे और बर्थडे के दिन अगर आएगी तो याद भी रहेगा। बर्थडे के दिन आएगा तो बल्ले 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 तो हम दो केक काटेंगे। चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द टॉप, एक अपने को, हां सॉरी, चेरी ऑन द केक। चेरी किसी के भी टॉप पे रख देंगे, गाड़ी के ऊपर रख देंगे। और दो दो केक, एक अपने को गाड़ी का केक रहेगा और एक केक रहेगा अपना बर्थडे बॉय का। डन। ये है ब्लॉग का आखिरी पार्ट और ये काफी इमोशनल है। लैला मजनू के लिए हमें नया घर मिल गया है और वो हमारे इस घर से जा चुके हैं दूसरे घर पर। और कभी कभी लाइफ में ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्या ही कहूँ मैं, फिर कभी फुर्सत में, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम हम बचा है। आराम से आपको मैं बताऊँगा क्यों हमने लैला मजनू का घर बदला। अगर शफीक शादीशुदा होता ना तो मैनेज हो जाता, शादी कर ले यार, लैला मजनू को वापस लेके आ जाएंगे। तेरे से पूछा तो मेरे पे भी घूम के क्वेश्चन आएगा कि आपका टॉपिक चेंज, मैं बताऊंगा कभी फुर्सत में। पर ठीक है यार, लाइफ में कभी खुशी कभी गम, अब जो लोग समझने वाले शायद समझ गए होंगे, जिनको नहीं समझना है मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जिस घर में वो गए हैं बहुत सेफ हैं और बहुत प्यार मिलेगा उनको। थोड़ा सा ये देखें, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा फैन बंद कर दो। बड़े दुख की बात है, लैला मजनू जा रहे हैं हमारे घर से इनके घर पे। रुपेश इधर आओ, ये है रुपेश, हमारे सब्सक्राइबर ही है, ये गोरेगांव में रहते हैं ट्राम शोरूम के पास। आंटी जी पूरा एड्रेस बता सकते हैं लेकिन बताना मत आंटी जी। आंटी जी बोलते हैं इधर आ जाओ, इधर आके देख के कभी भी जाओ। हमारे लैला मजनू का घर बदल रहा है, बट मैं ऐसे रेगुलर विजिट करते रहूंगा, आते रहूंगा भाई मैं, जब भी याद आएगी तो। मेरे को नक्की है रोज अलग तरी मी नाय मनर नहीं तुम्हारा रोज यार, एक चाय मिलेगी तो रोज आएंगे। जेवन जेवन पाठवी आ जा लैला। ये मेरी साइकिल है और साइकिल के चेन में अगर आप देखोगे तो लैला मजनू के बाल हैं, उनकी निशानी इस घर में है और मेरे ख्याल से एक दो महीना तीन महीना तक रहेगी यहाँ पर। ये व्लॉग अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हमें निकलना है राइड के लिए। मेरी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है कि किसी ट्रिप की पैकिंग मैंने एक दिन पहले करके रख दी है। इससे पहले क्या निकलना होता है उससे 3-4 घंटे पहले पैकिंग होती है, अभी पैकिंग फुल रेडी है। करना भी पड़ा था बिकॉज अंदर कपड़े होते हैं फिर बाहर निकलना पड़ता है और काम इतना हो रहा था कि अपने को टाइम मिल नहीं पा रहा था। बाकी सब एकदम बढ़िया है, कल मजा आएगा, राइड होगी, काफी दिनों बाद राइड हो रही है और टाइगर का रैप भी है वो भी देखने मिलेगा, गाड़ी भी बुक हो चुकी है, बहुत चीजें हो रही है लाइफ में, आप देख ही रहे होंगे। बढ़िया, थैंक यू फॉर टुडे, आई विल सी यू सो नेक्स्ट लॉग, बाय बाय, खुदा हाफिज़, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बूम 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 बूम। दामोदर बोला मैंने, कैमरे का दामोदर, क्या कभी कभी पता नहीं चलता क्या बात कर रहा हूँ तो। दामोदर बोला था क्या मैंने? नहीं, दारोबार बोला ना। दारोबार नहीं, दारोमदार, दारो में जाएगा, एंड में जाएगा।